दोस्तों, आपने आचार्य चाणक्य की वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जो एक महान पंडित के नाम से प्रसिद्ध हैं, भला उनकी कही गई बातों पर कौन प्रश्न उठा सकता है। चाणक्य ने अपने सारे जीवन भर में जो भी अनुभव किया उसके बारे में उन्होंने चाणक्य नीति में सब लिख डाला है। पंडित चाणक्य की लिखी हुई हर बात आज आधुनिक युग में भी फिट बैठती है। आचार्य चाणक्य का लिखा चाणक्य नीति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन में सुधार लाने हेतु सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ में वो सभी सूत्र शामिल हैं जिनसे हम अपने जीवन को अति सरल बना सकते हैं। इसका पालन करने से हमारे जीवन में विशेष परिवर्तन आ सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि आचार्य चाणक्य महान कूटनीतिज्ञ थे, यानी ऐसे दूरदर्शी थे कि आज देश दुनिया में उनके लिखे ग्रंथों पर रिसर्च किया जा रहा है। स्त्रियों के सामान्य लक्षण के अलावा चाणक्य ने उनकी कुछ ऐसी बातों को भी नीति शास्त्र में सामने रखा है जो उन्हें शादी के लायक नहीं बनाती। चाणक्य के अनुसार ऐसी कुछ स्त्रियां होती हैं जिनसे भूलकर भी पुरुषों को शादी नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में महिलाओं के बारे में काफी बातें कही हैं, जो कि महिलाओं का स्वभाव और उनकी सोच, महिलाएं किस तरह से व्यवहार करती हैं, इन सबसे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में जिनसे पुरुषों को शादी कभी नहीं करनी चाहिए, या यूं कहें कि हमेशा बच के रहना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले चाणक्य ने कहा है कि कभी किसी स्त्री की सुंदरता देख उसके लिए पागल ना हो। जी हाँ, स्त्रियों की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती है। यदि कोई पुरुष सिर्फ सुंदरता के आधार पर ही किसी स्त्री से शादी कर लेता है तो हो सकता है कि उसे बाद में जाकर काफी पछताना पड़ जाए। ये जरूरी नहीं है कि जो दिखने में सुंदर हो उसका मन भी सुंदर ही हो, क्योंकि सुंदर काया होने के बावजूद हो सकता है उसका मन काला हो। चाणक्य के अनुसार जहां अच्छे संस्कारों वाली महिला किसी भी घर को स्वर्ग बनाने का दम रखती है, तो वहीं बुरे संस्कारों वाली स्त्री अपने पूरे घर में तनाव पैदा कर सकती है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप ऐसी किसी स्त्री से शादी करने से बचें, क्योंकि अगर घर में ही कला हो तो आपकी निजी जिंदगी भला कैसे खुशहाल हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपने भी ज्यादातर देखा होगा, कुछ महिलाएं आए दिन शादी के बाद अपने रिश्तों को तोड़ने की बात करती रहती हैं, तो जान ले कि ऐसी स्त्री आपके और आपके परिवार के बारे में हमेशा नकारात्मक विचार ही रखेगी। वो न सिर्फ आपका दिल दुखाती है बल्कि परिवार को भी हानि पहुंचाने की तरकीब अपनाती रहती है। भलाई इसी में है कि आप ऐसी स्त्रियों से बच कर रहें। आपको बता दें, आचार्य चाणक्य जी ने यह भी कहा है, कुछ महिलाएं पैसों के लिए ही जीती हैं, पैसों का मोल उन्हें नहीं होगा और वो खुले हाथ अपने पति के मेहनत के पैसे ऐसे ही उड़ाती नजर आएंगी। आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्यादातर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त करने की लालसा रखती हैं और साथ ही धन व सोने के आभूषण के प्रति भी उनका लगाव ज्यादा रहता है। बता दें कि धन के लालच में आकर कुछ स्त्रियां सही गलत का भेद तक भूल जाती हैं और घर को नर्क बना देती हैं। चाणक्य बताते हैं कि महिलाएं भरोसा करने लायक नहीं होती, क्योंकि चाणक्य के अनुसार महिलाओं के स्वभाव में कोई भी बात अपने तक अधिक समय तक छिपाने की क्षमता नहीं होती और ये आदत उन्हें भरोसे लायक नहीं बनाती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, वो पति और उसके पूरे परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन बुरे संस्कारों वाली स्त्री सब तहस नहस कर देती है। विवाह के लिए स्त्री के संस्कार, उसका स्वभाव, उसके लक्षण, उसके गुण अवगुणों के बारे में जानना चाहिए। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही स्त्री का विवाह के लिए चुनाव करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वरियेत कुलजा प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपशिलांग ननिचस्य विवाह सहशे कुले। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने यह समझाने का प्रयास किया है कि कैसी स्त्री से विवाह करना चाहिए और कैसी स्त्री से नहीं। ऐसी चरित्र वाली स्त्री न केवल विवाह के रिश्ते को खराब करती है बल्कि पूरे कुल का नाश करती है। वो उस पूरे परिवार को समाज के सामने बेइज्जत करती है, इसलिए विवाह के लिए हमेशा संस्कारी स्त्री का ही चुनाव करना समझदारी भरा है। दोस्तों, अगर आप भी आचार्य चाणक्य जी की इन नीतियों से सहमत हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।